भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विधानसभा सीटें खाली हो गई थी, जिन पर अब उपचुनाव होना है। इन राज्यों में होने जा रहे चुनावों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से होशियार सिंह चंबियाल, वहीं हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालगढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के नाम का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश की अमरावाड़ा से बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। तो वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी और वहीं मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया है। राज्यों की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें पश्चिम बंगाल की 4 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें और वहीं उत्तराखंड की 2 सीटें शामिल हैं। जिन 13 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उनमें रुपोली बिहार, रायगंज पश्चिम बंगाल, रानाघाट दक्षिण पश्चिम बंगाल, बागदा पश्चिम बंगाल, मानिकतला पश्चिम बंगाल, विक्रवांडी तमिलनाडु, अमरावाड़ा मध्य प्रदेश, बद्रीनाथ उत्तराखंड, मंगलौर उत्तराखंड, जालघर पश्चिम पंजाब, देहरा हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।